1000 व्यूज के YouTube कितने पैसे देता है? क्या लाइक और सब्सक्राइब के भी पैसे मिलते हैं? अगर नहीं तो ये लाइक और सब्सक्राइब हमारे ओवरऑल चैनल ग्रोथ के लिए कैसे बेनिफिशियल है? गाइज, इन सब टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ आज के अपने इस वीडियो में प्रूफ के साथ। सो वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके अलावा गाइज, अगर आपको कोई भी टेक्निकल टॉपिक से वीडियो चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब करने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। साथ में टेक्निकल वीडियोज के साथ साथ आपको शॉर्ट्स वीडियो भी देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर करना। सो गाइस, अब आपको ले चलता हूँ अपने वीडियो एनालिटिक्स की तरफ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे 1000 व्यूज के कितने पैसे यूट्यूब दे रहा है 2021 में। गाइस, यहाँ पे मेरा एक वीडियो है इंट्रो से रिलेटेड, तो इस पे 1000 व्यूज आए हैं। चलिए मैं इसका एनालिटिक्स आपको दिखाता हूँ। गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं 1000 व्यूज पे जो मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू बना है वो $0.27 बना है, यानी 27 सेंट। अगर मैं इसे रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो 22-23 रुपीज के बराबर है। गाइस, ये 1000 व्यूज पे जो 27 सेंट मिले हैं ये फिक्स नहीं है, कम ज्यादा होते रहता है। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारे वीडियोस की लेंथ कितनी है, हमारे वीडियोस पे किस तरह के ऐड आ रहे हैं, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बैनर ऐड, या फिर हमारी वीडियोस को किस कंट्रीज में देखा जा रहा है। इसके अलावा हमारे वीडियोस पे जो ऐड आ रहे हैं उस पर कितना क्लिक किया जा रहा है, इन सब फैक्टर्स पे हमारा जो है रेवेन्यू डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमारा वीडियो अमेरिका में देखा जा रहा है तो हमारे वीडियोस पे जोमेटो और पेटीएम के तो ऐड आएंगे नहीं, वहाँ पे वहाँ की बड़ी कंपनियों के ऐड आएंगे, और वहाँ की कंपनियाँ यूट्यूब को बहुत पैसे देती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। सो उसका हिस्सा जो है हमें ज़्यादा मिलता है, इस वजह से हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है। वहीं अगर हमारे वीडियोज़ को डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान में देखा जा रहा है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बहुत कम है। सो ऐसे में हमारी वीडियो जो है बहुत कम रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। वैसे गाइस, हमारी वीडियो अमेरिका और बाकी कंट्रीज में बहुत कम ही देखी जाती है, क्योंकि वो हिंदी में होती है। बाय मिस्टेक कोई क्लिक कर देता है या फिर कोई बंदा इंडिया का वहाँ पे रहता है तो हमारी वीडियोस को देख लेता है। हमारी वीडियो ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में ही देखी जाती है, और ये ऑलरेडी यहाँ तो इंडिया सबसे अमीर देश है, बाकी सब तो और भी गरीब है, तो यहाँ पे हमारी वीडियो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, वीडियो के लेंथ पे भी डिपेंड करता है हमारा रेवेन्यू। जैसे कि हमारी वीडियो का लेंथ 5 मिनट से कम है तो सिर्फ स्टार्टिंग में ऐड आएंगे, 5 मिनट या 5 मिनट से बड़ा है तो स्टार्टिंग के और एंड में भी ऐड आएंगे। इसके अलावा 8 मिनट या 8 मिनट से बड़ा है तो स्टार्टिंग में और एंड में यूट्यूब खुद से ऐड लगाएगा, लेकिन बीच में आप खुद से ऐड प्लेस कर सकते हैं मैनुअली, जहां जहां चाहे। अगर 8 मिनट से लंबा अगर आपका क्लिप है, वीडियो क्लिप, तो उसके अंदर बीच में भी आप मैनुअली ऐड प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो को पूरा देखा जा रहा है तो वो सारे एड्स आते हैं, जिससे कि आपका वीडियो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। साथ ही अगर आपके वीडियोस पे जो ऐड आ रहे हैं, अगर उस पर क्लिक किया जा रहा है, उस ऐड को लोग देख रहे हैं, उस पर विजिट कर रहे हैं उस पेज को, तो वहां पे सीपीसी बढ़ता है, जिससे कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा बढ़ता है। और इसके अलावा डिपेंड करता है कि हमारे वीडियोस पे किस तरह के ऐड आ रहे हैं। अगर स्किपेबल आते हैं तो उसका अलग रेट है, नॉन स्किपेबल आते हैं तो उसका अलग आता है, और कोई पोस्टर या बैनर आता है तो उसका अलग रेट होता है। सो इन सब फैक्टर्स पे हमारा रेवेन्यू जो है डिपेंड करता है। साथ में कितनी बार होता है कि अगर हमारे वीडियोस पे 1000 व्यूज आ रहे हैं तो कितनी बार उस पे ऐड नहीं आते हैं, तो ऐसे में भी हमारा रेवेन्यू थोड़ा कम जनरेट कर पाता है वीडियो। अब बात आती है, क्या YouTube लाइक और सब्सक्राइब के भी पैसे देता है? जी नहीं गाइज, YouTube लाइक और सब्सक्राइब के पैसे नहीं देता है। हाँ, ये हमारे वीडियोस की ग्रोथ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। जैसे कि अगर आपके सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो आपकी वीडियो जब डलती है तो उनके पास आपकी वीडियो चली जाती है, तो उससे प्रॉबिलिटी है कि आपकी वीडियोज पे तुरंत व्यूज आ जाए। जैसे कि अगर 1 लाख है तो 10% लोग भी आपकी वीडियोज को देखते हैं तो 10,000 व्यूज आ जाते हैं। सो अगर आपकी वीडियो डलने के साथ आपकी वीडियोज पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं तो आपकी वीडियो को YouTube आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि YouTube का अपना ऑटोमेटिक सर्च इंजन है। सो वो वीडियो को ऐसे आइडेंटिफाई करता है, अगर वीडियो पे ज्यादा एंगेजमेंट है, ज्यादा ट्रैफिक है, अगर वीडियो डलने के साथ ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब आ गए या फिर व्यूज आ गए, तो उस वीडियो को YouTube रैंक कर देता है। सो जो सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं उनके पास आपकी वीडियो जाने लगती है और आपकी वीडियोस पे व्यूज आने लगता है। ऐसे ही अगर आपकी वीडियोस पे ज्यादा लाइक आ रहा है तो एक तो पहला मोटिवेशन मिलता है कि आपकी वीडियोस को लोग मतलब पसंद कर रहे हैं, साथ में YouTube का इंजन भी जो है उसको आइडेंटिफाई करता है कि इस वीडियो को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, यानी ये अच्छी वीडियो है, तो उसको रैंक कर देता है। सो इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब हमारे वीडियो के लिए बेनिफिशियल है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज गाइज इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।